हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रीपॉटिंग की जाती है। आज ये किस चीज़ का पौधा है मम्मी? मोगरा। मोगरा का, ये मोगरा का पौधा है और हम इसे छोटे गमले से बड़े गमले में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी छोटा ही गमला है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बड़ा गमला नहीं ला पाए हैं, तो हम इसी गमले में अभी फ़िलहाल शिफ्ट करेंगे। तो इस गमले में आप देखिए प्रॉपर तरीके से बीच में छेद है ताकि पानी ना रुके, और इसमें ये एक छोटा सा कपड़ा लगा दिया है ताकि हल्का हल्का पानी इसमें से निकल जाए, सारा पानी एकदम से ना निकले डालते ही। अब इसको नीचे और इसकी मिट्टी भी नीचे ना जाए। इसमें आप थोड़े से गत्ते डाल दिए हैं मिट्टी हल्का करने, इसकी मिट्टी को थोड़ा हल्का करने के लिए। और ये अंडे की ट्रे के गत्ता है, ये पानी को एब्जॉर्ब भी करके रखता है काफ़ी देर तक ताकि मिट्टी गीली रहे। अब ये देखिए, ये सूखी पत्तियाँ हैं जो इसमें डाल दी हैं नीचे, सबसे नीचे खाद, इससे खाद बनी रहेगी, ये खाद का काम भी करती है। और अब ये देखिए गाइस, अब इसमें मम्मी डालने वाली हैं मिट्टी, रेत, कोकोपिट और ये जो चाय पत्ती जो धो ली थी उन्होंने अच्छे से ताकि कीड़े ना लगें इसमें, और ये ब्लू कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये इंसेक्टीसाइड है ताकि कीड़े ना लगें, और हल्दी डाली गई है। हल्दी से क्या होता है मम्मी? चींटी नहीं लगती है हल्दी डालने से। तो गाइज़ ये बहुत अच्छी टिप है आपके लिए जो नए नई गमले में बदलते हैं मिट्टी लगा पौधा बदलना चाहते हैं या नए नई प्लांटिंग शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये एक छोटी सी टिप है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब ये देखिए सारी चीज़ें एक साथ डाल के मिक्स कर दी गई हैं ताकि सब अच्छे से मिल जाएं, और इसमें से जो ज़्यादा मोटे मोटे पत्थर हैं ये निकाल देंगी या उन्हें अच्छे से तोड़ दीजिए। मम्मी ने एक और मोगरा का पौधा, ये देखिए ये हमारा दूसरा मोगरा का पौधा है, इस पे देखिए फूल भी कितने अच्छे से आए हुए हैं और ये बहुत अच्छी खुशबू देता है सुबह। ये देखिए अब इसे निकाला जा रहा है रीपॉटिंग के लिए। क्योंकि मोगरा का पौधा थोड़ा बड़ा होता है और इसकी जड़ें भी थोड़ी ज़्यादा फैलती हैं, इसलिए हम इसे छोटे पॉट में नहीं रख सकते। अगर इसकी जड़ें नहीं फैलेंगी तो ये पनप नहीं पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा, इसके लिए इसको बड़े गमले की ज़रूरत है। तो ये देखिए मम्मी ने शिफ्ट कर दिया है ये मोतिया का पौधा बड़े गमले में, जो कि थोड़े दिनों दबा दिया है मिट्टी को ताकि कहीं पे भी खालीपन ना रहे और हवा ना जाए। अगर इसमें हवा रहती है तो क्या होता है मम्मी? तो जड़ों में फंगस लगने का डर रहता है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया टिप है, आप उसमें हवा ना छोड़ें, अच्छे से दबा दें मिट्टी को और थोड़ा सा अब इसमें पानी डाल दिया है। ये क्या है, ये नीचे क्या है, ये आपने क्या लगा दिया साथ में? पोर्चुला के प्लांट हैं जो नीचे फूल भी देंगे। ओहो, ये तो डबल प्लांटिंग की है मम्मी ने, नीचे फूल वाला पौधा लगाया है, ऊपर मोगरा लगाया है। तो ये डुअल वो है,
तो ये हो चुका है गाइस, देखिए रीपॉटिंग हो चुकी है। पानी अच्छे से इसमें डाल दीजिए क्योंकि नीचे तक निकल जाए, ताकि ये नीचे तक चला जाए, पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए छोटे छोटे इसमें बुलबुले आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पानी अभी नीचे जा रहा है और थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएगा इसमें से। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप भी रिपोर्टिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे इसे देख के। थैंक यू, बाय बाय।